विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भगवान जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ की कृपा से छत्तीसगढ़ की सुख शांति के लिए हम यहां उपस्थित हुए हैं। इस दौरान उन्होंने सीजीपीएससी मामले में जांच को लेकर कहा कि उच्च स्तरीय जांच से युवाओं के मन की शंका दूर होगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सिंह ने कहा कि सीजीपीएससी का मामला स्पष्ट है, इस मामले में सरकार की ओर से जांच की रिक्वेस्ट की गई थी। मामले को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ के खास तौर पर युवाओं में पीड़ा थी, युवा वर्ग उद्वेलित थे, इसके लिए लोगों ने जांच की मांग की थी। डॉक्टर सिंह ने यह भी कहा कि इस उच्च स्तरीय जांच से छत्तीसगढ़ के सभी युवाओं के मन की शंका दूर होगी, एक नया रास्ता बनेगा ताकि इस तरीके का करप्शन देश में कहीं ना हो। छत्तीसगढ़ में तो इस तरह का करप्शन होना भी नहीं चाहिए। देखिए, सीजीपीएससी का मामला ये स्पष्ट है और स्पष्ट मामले में सरकार की ओर तरफ से रिक्वेस्ट किया और सीबीआई की जांच के बारे में पूरे छत्तीसगढ़ के लोग, खासतौर से युवा वर्ग के अंदर में पीड़ा थी, उद्वेलित थे और उसके लिए लोगों ने आग्रह किया था, मांग किया था कि जांच हो, वो उच्च स्तरीय जाँच जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे युवा साथियों के मन का शंका दूर होगा और कम से कम एक नया रास्ता बनेगा कि इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के करप्शन हिंदुस्तान में कहीं ना हो, छत्तीसगढ़ में तो होना भी नहीं चाहिए। मेरी भूमिका विधानसभा में एक ही है कि हमारे पक्ष और विपक्ष के जितने सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा सक्रियता से उसमें उनकी भागीदारी हो जाए और जितने प्रश्न हैं और दूसरे माध्यम है, ध्यानाकर्षण है, स्थगन है, अन्य माध्यम से ज़्यादा उनकी सबकी भागीदारी हो और सब ज़्यादा से ज़्यादा समय विधानसभा में उपस्थित रहें, तो मुझे लगता है कि सत्र छोटा जरूर है मगर बहुत सारे मुद्दों को लेकर, बहुत सारे विषयों को लेकर चर्चा भी होगी, बातचीत भी होगी और निश्चित रूप से ये सत्र महत्वपूर्ण होगा।